नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद्यशिक में। देखिए, इसमें देखेंगे दैनिक रोजगार महत्वपूर्ण सूचना 24 जुलाई। आज डेट लगी थी 69,000 शिक्षक भर्ती, सुनवाई समाप्त हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, पूरी डिटेल देखेंगे। ट्यूबवेल ऑपरेटर नोटिस संबंधी सूचना देखेंगे, इसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल से जुड़ जाए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि पूरी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम आपको। और टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग हमारे ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसमें टाइम टू टाइम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ पूरे डेली बेसिस पे करंट अफेयर क्लासेस और जितने भी एग्ज़ाम आते हैं आपके, उन सभी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें कई लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में पूछते हैं, तो ये जहाँ पे सर्किल दिया हुआ है, जैसे एरो पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको HTTP करके दे रखा होगा, क्लिक हियर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को अपडेट देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपडेट है आपको 69,000 शिक्षक भर्ती सुनवाई का। तो आज इसकी डेट लगी थी, सुनवाई पूरी समाप्त हो चुकी है। और हरीश सालवे जी जैसे जो बीएड के पक्षकार थे, रमणी सर, दिनेश द्विवेदी, सिसोदिया, जितने भी मतलब पक्षकार थे और एडवोकेट थे, उन्होंने सारे लोगों ने अपने पक्ष रखा। लास्ट में जी जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, राघवेंद्र सर ने अपना पूरा वो किया है और पूरा पक्ष रखा हुआ है। और जैसे कि ऐश्वर्या भाटी मैम का पूरा जब से चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, तो उसके बाद साहब ने पूछा कि क्या सरकार जो शिक्षा मित्र के बारे में पूछा कि क्या अगली भर्ती या किसी भर्ती में इनको प्राथमिकता देने के लिए है, तो इनका जवाब था हाँ, 50,000 सीट अभी भी हमारे पास में है और इनको अगली भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इसके संबंध में पूरी सुनवाई को सुनने के बाद एक चीज़ आपको पता मतलब निष्कर्ष निकल सकता है और इसके पक्ष में दिख रहा है कि ये आपको 90-97 के पक्ष में जा रही है भर्ती। जो डिसीजन होने वाला है, 3 दिन का टाइम दिया गया है सभी पक्षकारों को अपना फाइनल सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का। बट 90% जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा गेस है, ये गलत भी हो सकता है, बट 90% चांसेस है कि ये 90-97 के पक्ष में जा रही भर्ती। तो उम्मीद करता हूँ और विश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी क्लियर हो, चाहे जिसके भी पक्ष में जाए, बट जल्दी ही सब लोगों को नियुक्ति मिले। अगली हमारी जो न्यूज़ एंड अपडेट है, तो वो है ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेके। दोस्तों, वैकेंसी से लेकर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पांडे जी से बात होती रहती है, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन वो होता रहता है। और अभी इवनिंग में हमारी बात हुई है और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को वो बोल दिया था, बता भी दिया है कि कैसे क्या होने वाला है। तो आज ये नोटिस आने वाली थी, बट अगर आज आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मंडे को ही आ पाएगी, मंडे को आ जाएगी पूरी नोटिस ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं देख मेंशन कर दिया आप सभी लोग को कि सब लोग ऑफिशियल विजिट साइट विजिट करते, जल्दी नोटिस मिल सकती है। तो पांडे सर से बात हुई थी, कई सारे संदर्भों में बात हुई, जैसे कई सारे लोगों का था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेके, तो उसमें ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है कि वो डिवीज़न से संबंधित है और जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग डिवीज़न में हो जाएगी तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात वहीं हो पाएगी और अगर उनके वो में रहेगा तो वही कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है ये नोटिस में, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये नोटिस आपकी 31 तारीख को आने वाली थी और ये नोटिस पहले ही आ रहे, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी कार्रवाई मतलब तेज़ी से हुई है और सारे कार्रवाई आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब जो भी आपके डिवीज़न है वहाँ पे वो सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं, लिस्ट वगैरह भेजा जा रहा है और साथ ही साथ ये पूरी नोटिस आ जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ मेंशन रहेगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, कहाँ से बनवाना पड़ेगा। और ये चीज़ें भी मेंशन हो सकती हैं कि किस डेट को आपको जाना पड़ेगा या फिर इसके लिए अलग एक नोटिस हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं और आप लोग अब बराबर फ़ोन मत करिएगा, ठीक है, पांडे सर को, क्योंकि पूरी आपकी काम पूरा का जो आपका काम है वो सारी चीज़ें वो हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। नोटिस का वेट हम सभी को है, जल्दी ही नोटिस मिल जाएगी। विश करता हूँ कि जल्दी ही आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।